ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वसत्व संगणाय सर्वरोगाय सर्वसीकणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वसत्व संगणाय सर्वरोगाय सर्वसीकणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वसत्व संगणाय सर्वरोगाय सर्वसीकणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना। साम सदाशिवाय नमः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य माम्। महन जी, आप 3 दिनों शायद अनशन पर थे, तो किस तरह से आपने आज हवन किया, क्यों किया और अनशन किन शर्तों पर समाप्त किया? देखिए, हमारी मांग थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को नवगठित जो ट्रस्ट है उसमें उनको संरक्षक का पद दिया जाए और उसको लेकर के हम यहाँ 3 दिन से जो है तो सत्याग्रह भूख हड़ताल अनशन पर थे। लेकिन जिला प्रशासन ने जब हमको बताया, यहाँ के और अधिकारियों ने बताया कि हमारी बात जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँच चुकी है और बड़ी प्रमुखता से इस पर विचार किया जा रहा है, तो उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर हमने आज जो है तो अपने अनशन को समाप्त किया। और चूँकि मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य उर्फ महंत परमहंसदास, हमारा जो स्थान है वहाँ से ज्ञान वैराग भक्ति का उद्गम हुआ तपस्वी छावनी महात्यागियों का आचार्य पीठ है, तो सर्वोच्च धर्माचार्य की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर के मैं आशीर्वाद भी आज इस यज्ञ के माध्यम से दिया हूँ कि दिल्ली का जो चुनाव है ये आशीर्वाद के रूप में मोदी जी की झोली में जाएगा और भारी मतों से भाजपा की विजय होगी और रामराज की स्थापना महायज्ञ जो था राम मंदिर के साथ साथ में आज जो है रामराज की स्थापना का श्री गणेश यहाँ से हुआ है। चूँकि पहले जब मुगल आए तो यहीं डेरा डाले थे, फिर योगी जी ने इस मुगल सराय का नाम चेंज किया, पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय किया। तो मेरा कहना यह है कि मुगल काल में चाहे जो भी अन्याय हुआ है वो अब सब खत्म हो जाना चाहिए इसी के साथ साथ, और हमारी जो संस्कृति है वो पुनः से प्रतिष्ठित हो रही है। तो आज से रामराज स्थापना महायज्ञ के माध्यम से रामराज की स्थापना का ये श्री गणेश हो गया, आज से रामराज का शुरुआत हो गई है। और माननीय मोदी जी ने जो भी काम किए हैं देश हित में, चाहे ये राम मंदिर के लिए हो, चाहे ट्रिपल तलाक पर उन्होंने जो काम किया, चाहे आर्टिकल 370 पर काम उन्होंने किया, चाहे जो है तो ये CAA पर काम किया, इससे पूरा देश जो है बेहद खुश है और इससे प्रसन्न होकर के मोदी जी को, जैसे अभी कहीं उनको दिख नहीं रहा था, दिल्ली का चुनाव वो हार रहे थे, लेकिन आज का जो आशीर्वाद जा रहा है, रात भर माहौल पलटेगा और कल जो है जो वोटिंग होगी वो बिल्कुल सब लोग जो है तो 100% BJP के पक्ष में जाएगा, इसलिए मैंने आज ये अनशन स्थगित किया।